दोस्तों, आज आपका YouTube एमबी अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड का कब होगा आपका अपडेट खाता। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम एक बार अपना खाता अपडेट कराना आवश्यक है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर या CSC के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। क्या असंगठित क्षेत्र में भी कामगार ले सकते हैं ये फायदा? ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, लिहाजा EPFO या ECSIC के मेंबर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। असंगठित कामगार और असंगठित क्षेत्र का क्या अर्थ है, ये भी हम आपको आज जानकारी में बताने जा रहे हैं। कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, सेल्फ एम्प्लॉयज कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार हैं और ESIC या APFO का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ESIC और EPFO के अंतर्गत कवर नहीं हैं। ई श्रम कार्ड पर क्या बीमा का फायदा भी है? ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन श्रमिक को 2,00,000 की दुर्घटना कवर दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांग की स्थिति 2,00,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह 1,00,000 रुपये का हकदार होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आयु सीमा क्या है और कौन डॉक्यूमेंट कर सकता है? ई श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 साल की कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं: आधार संख्या, आधार के लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम CSE पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल एमडी अपडेट पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।